Assalamu alaikum. Hi guys, in today's video I'm going to give you a complete guide about skincare. वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ। स्किन के रूटीन सबको फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो टीनेजर हो या एडल्ट। अगर आप प्रॉपर स्किन के रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी और साथ ही साथ क्लियर हो जाएगी। किसको क्लियर स्किन नहीं पसंद? मैं जानती हूँ कि सब चाहते हैं कि उनकी स्किन क्लियर हो, बट कोई मेहनत नहीं करना चाहता। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप रोज आज से स्किन के रूटीन फॉलो करना शुरू कर दें तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। Before starting the video, I just want to say that I have started my small business on Instagram. Please follow and support. I will put the account link in the description box so you guys can follow me. So now let's get started. स्किन के रूटीन बनाने से पहले आपको अपनी स्किन टाइप जरूर पता होनी चाहिए। There are so many different skin types such as normal, dry, oily and combination. इन चारों के अलावा भी कुछ की स्किन सेंसिटिव भी होती है एंड एक्ने प्रोन स्किन भी होती है। So now let's talk about type of skincare routine. There are three type of skincare routine. Number 1, daily skincare routine. Number 2, weekly skincare routine. And number 3, monthly skincare routine. चले अब इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेली स्किन केयर रूटीन की। डेली स्किन केयर रूटीन के अंदर आता है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में मैं ज्यादा स्टेप्स रिकमेंड नहीं करती, सिर्फ 2 ही स्टेप है। स्टेप नंबर 1 इज क्लिंजर, इन विच यू कैन यूज योर फेवरेट फेस वॉश। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन पे सूट करे। मुझे क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मेरी स्किन पे सूट करता है एंड इट वर्क्स वेल। स्टेप नंबर 2 है सनब्लॉक। सनब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी सनब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये वाला सनब्लॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइज, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इतनी ही थी। अब बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन की। नाइट स्किन केयर रूटीन के मेरे थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं क्योंकि रात को हमारी स्किन रिपेयर होती है। स्टेप नंबर 1 है क्लिंजर, कोई भी अपना फेवरेट फेस वॉश यूज़ करें। स्टेप नंबर 2 है टोनर। आई थिंक द बेस्ट टोनर इज़ रोज़ वाटर। मुझे ये मरहबा का रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टेप नंबर 3 इज सीरम। इट इज़ अ ऑप्शनल स्टेप। अगर तो आप 18+ है देन डेफिनेटली यूज़ अ सीरम, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। मुझे ये डॉक्टर रेशल का विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है, आपको एक्ने स्कार्स का इशू है, देन डेफिनेटली यूज़ विटामिन सी सीरम। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सीरम्स है, आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 इज़ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि रात को स्किन रिपेयर होती है तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना भी ज़रूरी है। आप कोई नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या कोई मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं वीकली स्किन केयर रूटीन की। वीकली स्किन केयर रूटीन में स्टेप्स ज़्यादा हैं। ट्राई कीजिएगा कि जितने भी मैं आपको स्टेप्स बताऊँ वो सारे फॉलो करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टेप नंबर 1 है क्लिंजर। इस बार आपने कोई प्रॉपर क्लिंजर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स का क्लिनजिंग मिल्क है, इसी तरह मार्केट में काफ़ी क्लिंजर्स अवेलेबल है, या फिर आप घर में खुद DIY होममेड क्लिंजर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास क्लिंजर नहीं है तो आप कोई भी फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है स्क्रब। स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारे फेस के डेड स्किन सेल चले जाते हैं। आप होममेड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि स्क्रब के मामले में आप होममेड स्क्रब मत यूज़ करें, आप कोई मार्केट वाला करें। मेरा फेवरेट है हेयर एनर्जी बाय आयशा का फेशियल स्क्रब। इसके अलावा भी बहुत सारे स्क्रब्स अवेलेबल है। गाइज, आई हैव डन अ वीडियो ऑन अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ढेर सारी ऑप्शंस मिल जाएगी। जिस तरह फेस पे स्क्रबिंग करना ज़रूरी है उसी तरह लिप्स पे भी स्क्रबिंग करना ज़रूरी है। आजकल लिप स्क्रब्स ईजिली अवेलेबल है। गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपना स्मॉल बिजनेस इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है। वी आर ऑल्सो सेलिंग मिनी लिप स्क्रब। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन DM to place an order। स्टेप नंबर 3 है मास्क। मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस के साथ साथ नेक पे भी मास्क लगाया करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप होममेड DIY मास्क लगाया करें, क्योंकि मैं वो खुद यूज़ करती हूँ। उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन परमानेंट रिजल्ट मिलता है। मैं अपने चैनल पे काफ़ी DIY मास्क की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच द वीडियोस। इसके अलावा अगर आप DIY मास्क नहीं यूज़ करना चाहते तो बहुत ज़्यादा अच्छे मास्क भी अवेलेबल है। वन ऑफ माय फेवरेट इज़ ब्यूटीफायर बाय आमना का ग्लो मास्क, और शीट मास्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है टोनर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि टोनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है रोज़ वाटर। स्टेप नंबर 5 इज़ मॉइस्चराइज़र। एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल यूज़ करना पसंद है। आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। वीकली स्किन केयर रूटीन आपने एक हफ्ते में 2 दिन फॉलो करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। एक हफ्ते में कोई भी 2 दिन डिसाइड कर ले, उस दिन लाजमी करनी है। जैसे कि मेरे दिन है वेडनेसडे एंड सैटरडे। कोई टाइम नहीं है स्किन केयर का, लेकिन आई प्रेफर डूइंग स्किन केयर एट नाइट। इन स्टेप के अलावा भी 2 स्टेप्स है जो ऑप्शनल है, विच इज़ आइसिंग एंड स्टीमिंग। अगर आप वो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड गाइज, अगर तो आप लेज़ी हो, इतने स्टेप्स नहीं कर सकते, तो आजकल मास्क प्लस एक्सफोलिएटर मिल जाता है, तो आपका एक स्टेप कम हो सकता है, लेकिन बाकी सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। अपने फेस के साथ साथ अपनी लिप्स का भी ज़रूर ख्याल रखें। गाइज, RM कलेक्शन हैज़ लॉन्च देयर लिप बाम एंड लिप स्क्रब। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैसेज देम टू प्लेस एन ऑर्डर। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है और दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं मंथली स्किन केयर रूटीन की। मंथली स्किन केयर रूटीन हमने 1 मंथ में 1 बार ही करनी है। मंथली स्किन केयर रूटीन के अंदर आता है फेशियल, जो अक्सर हम पार्लर से जाके कराते हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं। 1 मंथ में 1 बार फेशियल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ आप ब्लीच भी कराएं, आप स्किन पॉलिश कराएं, इससे स्किन हेल्दी होती है, ब्राइटन अप होती है, क्लियर होती है। एंड गाइज, अ गुड फेशियल मसाज डज नॉट ओनली कीप योर स्किन ग्लोइंग बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। पहले तो मैं पार्लर पे जाती थी फेशियल के लिए, बट अब मैंने एक फेशियल किट खरीद ली है और मैं घर पे खुद ही अपना फेशियल करती हूँ। तो गाइज़, ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपने पार्लर जाना है या घर पे खुद फेशियल करना है, पर करना ज़रूर है। मेरे पास ये ओरियोर की फेशियल किट है। इसके टोटल 7 स्टेप्स है। इसके अंदर ब्लीच भी है। आई रियली लाइक दिस फेशियल किट। मैं ऑलरेडी इस फेशियल किट पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, दैट वाज अ कंप्लीट स्किन केयर गाइड। आप लोग आज से ही प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना शुरू कर दे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। एंड गाइज, मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपके साथ अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर की है अंडर 500 रुपीज़। उसके अंदर मैंने क्लिनजर, मास्क, स्क्रब, टोनर, मॉइस्चराइजर्स के लिए काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस दी हैं, अफोर्डेबल ऑप्शंस दी हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।